हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कुसुम्स किचन। मैं हूँ वंदना और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलाइटफुल, बहुत ही एपेटाइजिंग रेसिपी कढ़ी पकौड़ा की, और जो आपके बहुत सिंपल से खाने को बहुत इंटरेस्टिंग बना दे ऐसा कढ़ी पकौड़ा जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये बहुत मजेदार बना है। शुरू करते हैं वीडियो को। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं हम ये बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार कढ़ी पकौड़ा बनाना। कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर 600 मिलीलीटर बटर मिल्क यानी कि छाछ और मट्ठा, और इसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पर 2.5 स्पून बेसन और चिकपी फ्लावर। यहीं पर मैं डाल रही हूँ इसमें 1 स्पून सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। 1/4 स्पून है टर्मरिक पाउडर और हल्दी पाउडर। बस इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। आप यहाँ पर बटर मिल्क यानी छाछ की जगह दही का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका दही या छाछ जो भी आप ले रहे हैं थोड़ा सा खट्टा होगा तो आपके जो कढ़ी है वो बहुत ही परफेक्ट बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें 400 मिलीलीटर वाटर। बस हमारा कढ़ी का सॉल्यूशन बिल्कुल रेडी है, इसे रखते हैं एक तरफ और बनाते हैं पकौड़ा। तो पकौड़ा के लिए 1/2 कप मैंने बेसन लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें मैंने टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। 1 स्पून यहाँ हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। यह है मेरे पास ग्रेट किया हुआ अनियन यानी कि प्याज। ग्रेट करके प्याज डालेंगे तो आपका जो पकौड़ा है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। देन 1/2 स्पून मैंने इसमें डाला है जिंजर यानी कि अदरक का पेस्ट, और साथ ही में जाती है हमारी 4 कटी हुई ग्रीन चिलीज़, और ये है खूब सारा करियंडर लीव्स। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 4 स्पून कर्ड यानी कि दही। दही से अगर ये जो मिक्सचर है हम रेडी करेंगे तो हमारे पकौड़े बहुत टेस्टी बनेंगे, बहुत डिलीशियस बनेंगे। नहीं ट्राई किया है तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करके देखें। अच्छे से इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो थोड़ा सा और आप दही ऐड कर सकते हैं। पकौड़े का जो मिक्सचर है वो भी बनकर के रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए ताकि हम उसमें अब पकौड़े फ्राई कर सकें। जैसे ही तेल गर्म होता है मीडियम फ्लेम मैंने रखा हुआ है और इसके अंदर मैं स्लोली और केयरफुली ये जो पकौड़ा है ये ड्रॉप कर दूंगी। ऑलमोस्ट सभी लोग पकौड़ा बनाना जानते हैं तो आप बिल्कुल केयरफुली इन्हें ड्रॉप कर दें, और 3 से 4 मिनट लगेगा आपको एक बैच को फ्राई करने के लिए। और ये जब तक क्रिस्पी ना हो जाए, गोल्डन ना हो जाए, हम इन्हें फ्राई करेंगे। कुछ ही देर में कुछ ये इस तरह से गोल्डन हो गए हैं, और अब मैंने टर्न करके दूसरी तरफ भी फ्राई कर लूँगी। अब देख सकते हैं पकौड़ा एकदम क्रिस्पी हो गया है, कलर इसका बिल्कुल गोल्डन हो गया है, ब्राउनिश कलर हो गया है, और दोनों तरफ हमें इसी तरह से इन्हें फ्राई कर लेना है। इनमें से कुछ जो पकौड़े मैंने जल्दी डाल दिए थे वो अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। मैं इन्हें एक पेपर टॉवल पर निकाल लेती हूँ और बाकी के पकोड़े भी इसी तरह से करके रेडी कर लेंगे। पकोड़ा बिल्कुल रेडी हैं। अब हम चल रहे हैं कढ़ी बनाने के लिए। तो 3 चम्मच घी मैंने एक पैन में ले लिया है, 1 चम्मच है मेरे पास जिंजर कुटा हुआ, 1 चम्मच है गार्लिक कुटा हुआ, और 1 चम्मच है मेरे पास हरी मिर्चें कुटी हुई। जैसे ही हमारा घी गर्म होता है इसके अंदर मैंने डाल दिया है यहाँ पर एस्फेटिडा और हींग। ये बिल्कुल ओरिजिनल वाला हींग है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डाला है। साथ ही मैं यहाँ पर 2 रेड चिलीज़ जो ड्राई वाली होती है वो ऐड कर रही हूँ, और इसमें हम डाल देंगे जो हमारा कुटा हुआ लहसुन था यानी कि क्रश्ड गार्लिक, और इसे हम अच्छे से सोते करेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पर लो रखा हुआ है, लो हीट पर हमें ये कुकिंग प्रोसेस करनी है फ़िलहाल। गार्लिक आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट गोल्डन हो गया है। इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर और करियंडर पाउडर 1.5 स्पून, साथ ही में रेड चिली पाउडर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 स्पून, और जो हमारी ग्रीन चिलीज थी हमने क्रश्ड करके ली थी यानी कि कुटी हुई हरी मिर्चें, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और बस कुछ सेकंड्स हमें इसे इस तरह से सोते कर लेना है। और यहाँ हम डाल देंगे जो हमने कढ़ी का सॉल्यूशन बनाया था बटर मिल्क और बेसन वाला, वो हमें इसके अंदर ऐड कर देना है।
अब हम यहाँ पर फ्लेम जो है उसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर ले आएंगे और उसके बाद इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें तब तक कुक करना है जब तक कि इसमें एक बॉईल ना आ जाए। जैसा कि मैंने कहा, आपको कढ़ी को यहाँ पे कंटिन्यू चलाना होगा जब तक कि कढ़ी में बॉईल नहीं आ जाता। एक बॉईल आने के बाद आप इसे छोड़ सकते हैं। तो हम इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि जो बटर मिल्क होता है, दही जो होता है, वो फट जाता है अगर आप इसे कंटिन्यू नहीं चलाते हैं, यानी कि कर्डल हो जाता है। तो मेक श्योर करें कि आप इसे कंटिन्यू हिलाते रहें, चलाते रहें जब तक कि इसमें एक उबाल आ जाए। धीरे धीरे कढ़ी गाढ़ी होने लगेगी जैसे जैसे कि ये गर्म होगी, और इसका कलर भी चेंज होने लगेगा, इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। वैसे तो कढ़ी पूरे इंडिया में खाई जाती है, पर हर एक जगह का बनाने का जो तरीका है वो अलग होता है। आज जो हम बना रहे हैं यह है पंजाबी कढ़ी पकोड़ा। तो इस तरह से नेक्स्ट टाइम आप भी ट्राई कर सकते हैं पंजाबी कढ़ी पकोड़ा को, और इसे एंजॉय कर सकते हैं चपाती, पराठे, नान, कभी कभी बाटी के साथ भी इसे सर्व किया जा सकता है, और इसे आप खा सकते हैं राइस के साथ में भी। ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपको खाना किसके साथ में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है, बॉईल आ गया है फर्स्ट। तो अब हम इसे बिल्कुल छोड़ देंगे लो फ्लेम पर कुक होने के लिए 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद फिर हम इसमें डालेंगे अदरक, यानी कि जिंजर जो हमने कूट करके रखा हुआ था साइड में। आप देख सकते हैं कढ़ी काफ़ी थिक हो गई है, काफ़ी गाढ़ी हो गई है। इसे हम इस तरह से पकाते रहेंगे ताकि इसमें जो फ्लेवर हैं स्पाइसेस के वो अच्छे से आ जाए। और फिर 5 मिनट कुक करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट बाद कढ़ी जो है वो काफ़ी अच्छे से थिक हो गई है। इसमें मैं जो अदरक था ग्रेट किया हुआ वो डाल दिया है, मिक्स कर देंगे, और अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। यहाँ मैं आपको 12 मिनट्स के बाद दिखा रही हूँ, कढ़ी हमारी काफ़ी अच्छे से पक चुकी है, काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है, आप देख सकते हैं थिक भी हो गई है। अब जो हमने पकौड़ास बना के रखे हुए थे उन्हें डालने की बारी आती है, तो मैं यहाँ पर सारे जो पकौड़ास हैं वो इसके अंदर ड्रॉप कर रही हूँ। जैसा कि आपने देखा, मैंने इसे टोटल 5 मिनट पहले कुक किया था और 12 मिनट बाद में कुक किया है, और अभी पकौड़ा डालने के बाद हम इसे सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए कुक करेंगे। सो सारी पकौड़े तो मैंने डाल दिए हैं, अब बारी आती है इसमें हरा धनिया डालने की। तो कटा हुआ हरा धनिया हम डालेंगे यहाँ पे काफ़ी सारा, यानी कि फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। कढ़ी में करियंडर लीव्स और ग्रीन चिलीज़ दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो इसे दोनों ही चीज़ों को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हरा धनिया डालने के बाद आप कढ़ी को देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे से एकदम रिच दिख रही है, बहुत ही डिलीशियस दिख रही है, और इसे देखते ही खाने का मन कर रहा है। कढ़ी हमारी रेडी है, पर अब हमें इसके लिए एक तड़का बनाना है, तो चलते हैं हम तड़का बनाने के लिए। तड़का पैन के अंदर मैंने ले लिया यहाँ पे 1.5 स्पून घी, जैसे ही गर्म होता है हम इसके अंदर डाल देंगे ब्लैक मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई के दाने 1 चम्मच, साथ ही में 1 स्पून डालेंगे हम इसमें क्यूमिन सीड और जीरा, और ये है मेरे पास रेड चिलीज़ 2-3 मैंने इसमें डाल दी है, और इसे हम क्रैक होने तक 1 मिनट के लिए पकाएंगे, और ऊपर से हम कढ़ी के ऊपर इसे ड्रॉप कर देंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से कुक हो गई है। चलिए तो अब तड़का हम कढ़ी में मिलाते हैं। कोशिश करें तड़का आप तब डालें जब आपको कढ़ी सर्व करनी है। फ्रेंड्स, आप सभी से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, कई बार हम घर में खाना बनाते हैं और वो खाना बच जाता है और बाद में हम उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। प्लीज़ कभी भी ऐसा ना करें, हमेशा अपने आसपास उन लोगों को देखें जिन्हें उस खाने की ज़रूरत है, और वो खाना उन तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करें। हमारा कढ़ी पकौड़ा बिल्कुल परफेक्टली रेडी है, मैं आपको इसे सर्व करके भी दिखा देती हूँ। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो अभी जाकर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही यम्मी टेस्टी और डिलीशियस रेसिपीज़ को मिस ना कर पाएँ इसके लिए आप घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।